अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज़दत के साथ मैं हूँ शाहिद मेहतला। गुज़श्ता कल सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेटिंग के हवाले से सदारती रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें इंतहाई दिलचस्प मुकालमेबाजी हुई अटर्नी जनरल, जजेस और इलेक्शन कमीशन के वकील के दरमियान। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि अगर मुतरासिब नुमाइंदगी से कम या ज्यादा नशिस्तें होती हैं किसी भी पार्टी की, तो इसका तमाम तर जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में सेनेट के जो इंतखाबात हैं उनको शफाफ बनाना होगा। एजाजुल अहसन साहब ने यह कहा कि अगर मुतरासिब नुमाइंदगी नहीं होगी तो निज़ाम तबाह हो जाएगा, और यह भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी। इलेक्शन कमीशन इस बात को मेक श्योर करे कि किसी भी सूबाई असम्बली में या सूबाई असम्बली में मौजूद नशिस्तों के हिसाब और तनासुब से तमाम पार्टियों की नशिस्तें होनी चाहिए। आज भी सदारती रेफरेंस की बात हुई, रजा रबानी साहब ने इसमें दलायल दिए। रजा रबानी साहब का कहना था कि जरूरी नहीं है कि सूबे में जिसकी हुकूमत हो विफाक में भी उसकी हुकूमत होनी चाहिए, और सूबे में जिसकी अक्सरियत हो उसी को सेनेट में ज्यादा नशिस्तें मिलनी चाहिए। उनका यह कहना था कि बैलेटिंग जो है वो खुफिया ही रहनी चाहिए, और जो आर्टिकल 226 है वो भी ये तायद करता है कि हर किस्म की जो बैलेटिंग है, वोट है, उसको खुफिया रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जहन में रखना चाहिए कि जो आयन साज थे, आयन बनाने वाले थे, उनके जहन में भी ये बात थी कि कोई भी इंतखाब जो है वो हर सूरत में खुफिया होना चाहिए। जिस पर जजेस की जानिब से ये आर्गूमेंट भी सामने आया कि सेनेट का इंतखाब जो है वो खुफिया नहीं है। खासतौर पर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, उन्होंने ये कहा कि जो आम इंतखाबात की बात की गई है और आजादाना इंतखाब की बात की गई है वो सेनेट के हवाले से नहीं की गई बल्कि आम इंतखाबात के हवाले से की गई है। जिस पर रजा रबानी साहब ने यह कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने एक और भी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि काफली को पंजाब में तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमती पार्टी है वो एक सीट दे रही है सेनेट की, तो इस हिसाब से मुतरासिब नुमाइंदगी तो पीटीआई को पंजाब में भी नहीं मिल सकेगी चूंकि उनका काफली के साथ इत्तेहाद है। तो खैर, जजेस ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का ये आर्गूमेंट था कि अगर मुतरासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तमाम नशिस्तें मिलनी है तो फिर तो इंतखाबात की भी जरूरत नहीं है, और उन्होंने कहा कि फिर तो लिस्ट दे देनी चाहिए जैसे रिजर्व सीट्स में होता है, तो उसी के तनासुब से तमाम सीटें जो है वो बांटी जा सकती हैं। तमाम जो खुफिया बैलेटिंग का पर्पस है वो यही है कि अगर आजाद उम्मीदवार भी कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सके, और कोई अपने जमीर के मुताबिक वोटर वोट देना चाहता है तो वो आसानी से दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इस बात की ताकीद की है इलेक्शन कमीशन को कि हर सूरत सेनेट का इंतखाब शफाफ होने चाहिए, और मेक श्योर किया जाना चाहिए कि पैसे का इस्तेमाल ना हो और खरीदो फरोख्त नहीं की जानी चाहिए। इसी पर फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक फैसला सामने आया कि तमाम उम्मीदवारों से बयान हल्फी लिया जाएगा, जिसमें यह कहा गया है कि वो वोट को पर असरअंदाज होने के लिए किसी किस्म की रकम का, पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ताहम उस एफिडेविट में ये बात नहीं की गई है कि बहुत सारे दूसरे जराए भी इस्तेमाल हो सकते हैं किसी भी वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन उस सिलसिले में बात नहीं की गई है। और हम ये भी बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम ओपन बैलेटिंग के लिए भी तैयार हैं, हुकूमत अपनी तैयारी करे। इस वक्त जब सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, समाअत कर रही है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान आना मानी खेज है। ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत को रिलीफ दिया जा रहा है। बहरहाल ये जो अभी जेरे समान मुकदमा है उस पर जरूर इन्फ्लुएंस करेगा, जरूर असर अंदाज होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये वाला स्टेटमेंट। और जहांगीर तरीन साहब की भी एंट्री हुई है पाकिस्तान के सियासी मैदान में, और कल उन्होंने फैसलाबाद में पीटीआई के रहनुमाओं से, अराकीन कौमी असम्बली से मुलाकातें की है। आज भी वजीर खजाना, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब और जहांगीर खान तरीन साहब फैसलाबाद में मौजूद हैं और अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातें भी कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर तरीन साहब वो आदमी है जिनको इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वो करप्ट हैं और उन्होंने करप्शन के जरिए चीनी स्कैंडल में पैसा बनाया है, बल्कि इमरान खान साहब ये भी कहते रहे हैं कि चीनी स्कैंडल के जिम्मेदार तन तरह जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब से थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर जहांगीर तरीन साहब ने चीनी स्कैंडल में पैसे बनाए हैं और नैब में उनके खिलाफ मुकदमात भी हैं, FIA में भी मुकदमात हैं, तो फिर एक करप्ट आदमी हुकूमती वजीर के लिए वोट क्यों मांग रहा है। और परवेज रशीद साहब ने 95 लाख रुपए के वाजबात पंजाब हाउस के देने हैं, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज मेहमान है चौधरी जाफर इकबाल साहब,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, डॉक्टर रमेश कुमार सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, और पीपल्स पार्टी के भी आम रहनुमा अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इरफान कादर साहब जो माहिर कानून है वो भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले सर मैं जाफर इकबाल साहब आपसे शुरू कर लेता हूँ। तासुर ये मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ओपन बैलेटिंग हो सेनेट में, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये समझना और इस बात पर बार बार इंतबाह करना इलेक्शन कमीशन को मुनासिब है? ये आपका कहना कि सुप्रीम कोर्ट ये समझती है या उनके कहने से ये लग रहा है, और चीफ जस्टिस साहब का ये कहना कि मुतनासिब नुमाइंदगी बेहतर होगा, और इलेक्शन कमीशन को ये कहना कि आप ये ख्याल कीजिए कि जितनी सीटें हैं उतनी मिलें, ये आईन की रूह के खिलाफ है। सबसे पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट आईन में तरमीम का इख्तियार नहीं रखती और ना ही सुप्रीम कोर्ट आईन के जो अगेंस्ट कोई फैसला दे सकती है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत भली बात वहां जमा कराई और कहा कि जी इलेक्शन का जो तब्दीली है निज़ाम की वोट देने की, ये सिवाय आईनी तरमीम के नहीं हो सकती। और वो क्यों है और क्या 1973 में आईन बनाने वालों को इस बात का इलम नहीं था? इलेक्शन के अंदर खुफिया वोट, ये मेरा हक है, मुझे आईन ने दिया है। हाँ, अगर आज के कानून साज इदारे ये तब्दील करते हैं, और वो तब्दील कैसे करेंगे कि 2/3 मेजॉरिटी होगी फिर वो अमेंडमेंट लेके आएंगे, आप बैठ जाइए। इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अगर अपनी राय दे दी है, तो बैठिए और बैठ के डिबेट कीजिए, सबका मौकफ सुनिए, उसके बाद वोटिंग कीजिए। और अगर इस वक्त मौजूदा कौमी असेंबली, क्योंकि मौजूदा कौमी असेंबली और सेनेट के अलावा पार्लियामेंट के अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं कि वो जो आईन है आज नाफुजुल अमल उसके अंदर, मैं अगर मिसाल यूं दूं कि 302 का मुजरिम जो है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसे सजाए मौत दी जाती है। अब बहुत सारे लोगों के आर्गूमेंट होंगे, लेकिन आज के जज को फैसला इस कानून के मुताबिक करना है। तो जो इस वक्त वोटर है, चाहे वो कौमी असेंबली का मेंबर है चाहे सूबाई असेंबली का। और दूसरी बात मेतला साहब, दूसरी बात ये हक क्यों है? इसलिए कि आप जब प्राइम मिनिस्टर का वोट हो, वजीर आला का वोट हो, और जो आपका बजट का वोट है उसमें आपके ऊपर वो फ्लोर क्रॉसिंग और पार्टी छोड़ने वाला, अदरवाइज कोई भी लेजिस्लेशन हो, आईनी तरमीम हो, आपने सेनेटर्स के लिए वोट देना है मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली में, वो पाबंद नहीं है। आईन उन्हें इख्तियार देता है कि वो जिसको बेहतर समझे उसे वोट दें, तो इसके ऊपर अमल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इरफान कादर साहब हैं हमारे साथ जी, अच्छा अभी बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये बताइएगा कि सेनेट में मुतनासिब नुमाइंदगी की आप हिमायत करते हैं, आर्टिकल 62 और 63 सेनेट के इंतखाबात पर तो लागू नहीं होता है, तो फिर आपकी जो जमात है सदारती रेफरेंस लेकर चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये तो मुनासिब भी नहीं है जमात के लिए कि सुप्रीम कोर्ट से मशवरा मांगा जाए। देखिए अपना मिथिला साहब, ये जो मैटर है सेनेट इलेक्शन का, ये आज की बात नहीं है, ये मोहतरमा की हयाती के टाइम पे ये बात उठा था मैटर, जब तहरीक इंसाफ मैदान में ही नहीं थी। उस वक्त मियां साहब और तहरीक अपना पीपल्स पार्टी के बीच में एक मैसाक मदीना एक डॉक्यूमेंट्स बना था कि हर बंदा अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है टाइम डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर पूरा करेगा, सेनेट के अंदर ये होगा, मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, ये सारा चीजें उस वक्त डिसाइड हुआ था। लास्ट में मैं भी नून लीग में था और जाफर भाई भी नून लीग में, तो हम जब बैठे थे तो जब रिजल्ट आई इसकी नून लीग की और पीटीआई की, तो उसके अंदर पीटीआई के कुछ लोग बिके थे और नून लीग के भी जो है वो कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से पीएमएलएन ने ये बात उठाई कि होना चाहिए, तो पीटीआई ने उस चीज को सपोर्ट किया, मगर पीपुल्स पार्टी ने उस चीज को उस टाइम पे भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो फायदे में रही थी, दो सीटें 6 मेंबरों पे केस से निकाल कर आए थे, एक मेंबर भी उसका वहां पे नहीं था, मगर एक सीट जो वहां से भी निकाल कर आए थे, तो ये चीजें गलत हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा ये कानून होना चाहिए। अब उस टाइम पे कानून नहीं बना, आज अगर ये कानून बन रहा है तो उस हवाले से साथ देना चाहिए। अब बात ये आती है कि भाई ये कानून बनता, मुझे पता है जाफर भाई यही कहेगा कि ये कानून बनता जी, इसके लिए गलती ये है कि ये लेकिन सवाल ऑपोजिशन की जानिब से यही बार बार किया जाता है। मेतला साहब, रमेश साहब को ये समझाइए कि ना मेतला साहब कह रहे हैं ना जाफर इकबाल कह रहे हैं,
ये तो वो आईन है जिसका रमेश भाई ने हलफ लिया है, अगर उस सही आईन के मुताबिक ये अब बकौर मेंबर असेंबली ये हक रखते हैं कि वजीर आजम का इंतखाब करें, और जी दूसरी तरफ उसको नहीं समझते कि ये अपना राइट जो है वो खुफिया वोट का फ्रेंचाइज करें, हाउ कम? आप देखिए ना रमेश कुमार साहब, इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी यही बात की है कि अगर खुफिया बैलेटिंग नहीं होगी तो उसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। ओपन बैलेटिंग अगर करवानी है सुप्रीम कोर्ट को, हुकूमत को, तो उसके लिए तो आईनी तरमीम लाजमी है। देखिए मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आर्डर नहीं दे सकती। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट में जो गए हैं वो गए हैं इंटरप्रिटेशन के लिए कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आया आर्टिकल 226 इस ट्रांसपेरेंसी को करने के लिए ओपन बेल्ट या आइडेंटिफाइड वोट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, उस हवाले से एक ऑर्डिनेंस जरूर आया है। तो उस ऑर्डिनेंस को भी अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी ये रखा है कि आइडेंटिफाई वोट होगा जो आइडेंटिफाई हो सकेगा। अब बात यह है कि उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। इलेक्शन कमीशन उसके अंदर एक पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ने अपना मौका दे दिया। लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार साहब, तमाम कानूनी माहरीन ये बात कर रहे हैं कि आइन से मुतसादिम कोई भी तशरीह सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती। आइन का आर्टिकल 226 बहुत वाजे है जिसमें ये कहा गया है कि वजीर आला और वजीर आजम के इंतखाब के अलावा कोई भी इंतखाब जो है वो ओपन बैलेटिंग के थ्रू नहीं हो सकता। देखिए उसमें 226 में यही लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर इलेक्शन ऑल। तो आपने सुप्रीम कोर्ट को इम्तिहान में क्यों डाल दिया फिर? देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास खुद इम्तिहान नहीं पास कर सकते, सुप्रीम तो कोर्ट और से लेंगे। अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जा सकती। तो आप क्यों जा रहे हैं? नहीं जा सकती सुप्रीम कोर्ट, नहीं जा सकती, आप क्यों जा रहे हैं डॉक्टर साहब? मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट अगर समझती है कि जो इंटरप्रिटेशन मांगी जा रही है और रुकने असेंबली आप क्या समझते हैं, रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो वो कहेगी यस। अगर वो कहेगी रुकावट है तो रेफर बैक कर देगी कि बाबा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें। इलेक्शन कमीशन डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि आईनी तरमीम करनी पड़ेगी ओपन बैलेटिंग के लिए, कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बात कर रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग अगर नहीं हो सकती तो मुतनासिब नुमाइंदगी को इलेक्शन कमीशन मेक श्योर करे। मुतनासिब नुमाइंदगी तरीके का तो देखिए देखिए कैसे ये कह सकते, ये भी तो आईन की वायोलेशन है। इस तरह की हदायत दी जा सकती है क्या? वायोलेशन वायोलेशन वो नहीं, वो मेरे ख्याल में अगर ओपन बेल्ट नहीं होता और सीक्रेट के थ्रू होता है और फिर जो है किसने किसको वोट दिया ये दिया, फिर लोग कसम भी उठाएंगे हलफ भी उठाएंगे, मगर ये चीज जो ना वो हमेशा माजी से लेके आज तक मैंने देखी है। चले डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। नौशहरा में पीडीआई को खासा अपसेट का सामना करना पड़ा है। वहां पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, सूबाई असेंबली की नशिस्त थी PK 63, उस पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए और उन्होंने 22,000 के करीब वोट हासिल किए हैं, जबकि जो हुकूमती जमात पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनको 17,000 वोट मिले हैं, जबकि ये नशिस्त जो आम इंतखाबात थे उसमें पीटीआई जीती थी। इसी तरह से NA 75 से भी ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत रही है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपसे बात हो रही थी, जाफर इकबाल साहब, चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आप लोगों ने यह प्लेज किया था कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेटिंग के जरिए होंगे। उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों इस बात से फिर गए हैं और मुकर गए हैं, तो आप उसको क्यों नहीं करते हैं? जस्टिस साहब से गुजारिश है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो कुछ था वो लिख देने के बाद आईन नहीं तब्दील हो गया था, वो हम दोनों दोनों जमातों की अंडरस्टैंडिंग थी कि हम ये करेंगे, अब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन करने के लिए जगह सुप्रीम कोर्ट नहीं है, करने के लिए असेंबली है। जनाब वजीर आजम अगर वो ये समझते हैं कि वो इस ऐवान के लीडर ऑफ द हाउस हैं तो वो तशरीफ लाएं, वो पार्लिमानी रहनुमाओं को, पार्लिमानी जमहूरियत में मतलब सब क्या होता है, आप ऐवान के अंदर मौजूद तमाम नुमाइंदगान को साथ लेके चलते हैं, आप उनके सामने एक मसला पेश करते हैं, वहां डिबेट कराते हैं, उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करते हैं। अगर लीडर ऑफ द हाउस
जो मौजूदा इश्यूज हैं उनके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकता, देन ही इज फेल। फिर वो ऐवान को कैसे चलाएगा, फिर वो हुकूमत कैसे चलाएगा? अब पीटीआई ना तो ऐवान के अंदर कंसेंसस बिल्ड करने का इरादा रखती है। आप बैठिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने यह किया, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसे को चेयर करते थे चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली। तो हमने यमन में फौज भेजने का मसला हो, सीपैक के रूट्स का मामला हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला हो, हमने वहां बैठ के हल किए और जमातें साथ चली, सब ने वोट दिया अपने अपने इतराजात। अगर पीटीआई ये समझती है तो 2.5 साल इंतजार किस बात का था? ये ऐवान में लेके आते, डिबेट कराते। और अभी आपने एक बात की थी कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ये करना चाहिए कि पैसा इस्तेमाल ना हो, लेकिन अंधों की दुनिया में भी नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील करने में, केस लगवाने में, पहुंचने में, और नीचे अदलिया के अंदर क्या रोज अदालतें जिस तरह के फैसले करती हैं और आती हैं, वो चीफ जस्टिस साहब की नजर में नहीं है क्या? वहां दुरुस्तगी की जरूरत नहीं है क्या? मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पर नहीं, वो आप कह रहे हैं कि वहां पर भी पैसे का इस्तेमाल होता है। देखिये, हर शोबे के अंदर, हर शोबे के अंदर। यहां अगले दिन एक खातून थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ था और वो जुमले लिखे हुए थे अपने प्ले कार्ड पे, मैं वो यहाँ बयान करने के काबिल नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि अदलिया में भी पैसे लेकर फैसले किए जाते हैं, चाहिए ये वहां पर भी चाहिए ये की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं जाफर साहब? मतलब साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने इदारे के अंदर अगर वो लोअर जुडिशरी तक जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखें, पैसा कहाँ नहीं चलता, अंदाज चलने के मुख्तलिफ है। कहीं ये भी होता है कोई एक वकील साहब अपना वकालतनामा उनका लग जाए तो आपको डेट मिल जाती है, और वो वकील साहब कितने फीस लेते हैं और क्या होता है। अच्छा, ये जितनी पेंडेंसी है, जितने ये डिलेज हैं, ये क्या है? क्या ये जुर्म नहीं है? और इसी तरह अगर वो ये इंश्योर करना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि पैसा ना चले तो करना चाहिए, लेकिन साथ ही वो जो वीडियो है क्यों नहीं तलब करते, उसका फरांजे क्यों नहीं कराते? एक वजीर दिफा है, दूसरे स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, मेंबरान असेंबली वहां मौजूद हैं, सेनेटर्स वो मौजूद हैं जो उस वोट से बन के आए, तो सुप्रीम कोर्ट को कौन मना करता है ये काम करने से? फोरेंसिक आप कह रहे हैं कि उस वीडियो को होना चाहिए, फोरेंसिक होगा, वजीर आजम भी जाता रहेगा, वजीर दिफा साहब भी जाएंगे, स्पीकर साहब भी जाएंगे, उस तरफ तवज्जो नहीं है। जो अभी होने वाला है कि कब होगा, और एक अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी लोग ब्रीफ केसों में पैसे लेके फिर रहे हैं। भाई आप हुकूमत हैं, आप पकड़िए उन ब्रीफ केस वालों को, आप उनके खिलाफ तंग। बाहरे कानून रशीद रिजवी साहब हमारे साथ हैं। रशीद रिजवी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अभी सदारती रेफरेंस के हवाले से समाप्त हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग के जरिए अगर पॉसिबल है तो इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए, एक ये बात। दूसरा, वो इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए तमाम जमातों की जो उनके सूबाई असम्बलियों में नशिस्तें बनती हैं। इस तरह की हदायत देना मुनासिब है, कानून के मुताबिक है? मैं समझता हूं कि उनके रेफरेंस जो उनके सामने है उससे बाहर ये जा रहे हैं। उनको जो सदारती रेफरेंस मिला है उसमें एक इंटरप्रिटेशन है कि सेक्शन आर्टिकल 226 को में क्या सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड से हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये इश्यू उनके सामने है। और उसमें 226 आर्टिकल बहुत वाजे अल्फाज में कहता है कि अलावा वजीर आजम और सदर के इलेक्शन के अलावा सारा इंतखाबात जो होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कोई बात अगर वो करेंगे या प्रोपोर्शनेट उसकी बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की, जी रिप्रेजेंटेशन की, तो वो भी मैं समझता हूँ कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन में तो शायद साहब कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। बिल्कुल सही, वहाँ पे तो जैसे हॉलैंड की बेहतरीन मिसाल है यूरोप में, वहाँ प्रोपोर्शनेट उस पर होते हैं इलेक्शंस, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन पे, वहाँ पे तो सियासी पार्टियां अपने नुमाइंदों की लिस्ट दे देती हैं और इलेक्शन पे पार्टी को वोट दिया जाता है। तो नुमाइंदों के नाम के साथ प्रोपोर्शनेट
متناسب نمائندگی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا رشید رضوی صاحب, جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ آزادانہ ووٹ عام انتخابات کے لیے لفظ استعمال ہوا آئین میں, یہ اس کی انٹرپریٹیشن وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ آزادانہ ووٹ تو دیکھنا ہر جگہ ہوتا ہے. آزادانہ ووٹ تو ایم پی اے کا الیکشن ہو, کونسلر کا الیکشن ہو, اگر آزادانہ ووٹ نہیں ہے تو انتخابات آزاد نہیں ہوتے ہیں. لیکن اب وہ بات کرتے ہیں اٹارنی جنرل بریف کیس کی اور حوالے کی اور دبئی اور لندن میں پیمنٹ کی, ان سے کہیں کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہو رہا تھا سینٹ کے چیئرمین پہ تو 66 اپوزیشن کے ووٹ تھے, پھر کیسے ہار گئی اپوزیشن؟ وہ کون سا جادوگری ہے؟ وہ کیوں نہیں ختم کرنا یہ چاہتے ہیں؟ یہ رشوت کی تو بات کر رہے ہیں, نوٹوں کی بات کر رہے ہیں, ڈالر کی بات کر رہے ہیں, وہ کون سا انفلوئنس ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے 66 امیدوار ووٹرز اور نکلتے ہیں ان کے خلاف ووٹ؟ تو یہ آزادانہ رائے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان کی پارٹی والے انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتے تو انہوں نے پوری عدلیہ کو پریشان کیا, پوری قوم کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. نہیں تو عدلیہ کیا آئین سے بالا تر کوئی حکم دے سکتی ہے؟ جس طرح کی ہدایات ابھی الیکشن کمیشن کو دی گئی ہیں متناسب نمائندگی کے حوالے سے, یا یہ بات کی گئی ہے, چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ ووٹنگ بے شک خفیہ ہو لیکن جس کی جتنی نشستیں بنتی ہیں اتنی ہونی چاہیے, تو یہ آئین سے متصادم ہے یہ ریمارکس, آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ اور کیا ایسے ریمارکس یا ایسی ہدایات الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ دے سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا. بنیادی حقوق میں ہمارا جو ہے فریڈم آف تھاٹ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے, آزادانہ رائے رکھنا. آزادانہ رائے کو آپ سلب نہیں کر سکتے ہیں. ایک پارٹی کا ووٹر ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے پارٹی میں ایک پیراشوٹر آیا ہے, ایک غیر ضروری آدمی کو, نان پاپولر آدمی کو, باہر کے آدمی کو ٹکٹ دیا ہے, کیا وہ اپنی آزادانہ سوچ رکھتے ہوئے کسی اچھے امیدوار کو ووٹ نہیں دے سکتا؟ تو یہ فریڈم آف تھاٹ کے خلاف ہے جو بنیادی حق ہے ہمارا, آزاد رائے رکھنا. یہ اس کے خلاف جائے گا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے الیکشن کی. دیکھنا پھر سرنٹ کے الیکشن کیوں ہو رہے ہیں؟ سپریم کورٹ سے کہیں کہ جتنے پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کے سیٹیں ہیں, جتنے لیگ کی ہیں, جے یو آئی کی ہیں, پی ٹی آئی کی ہیں, اس پہ اناؤنس کر دیں کہ یہ لوگ جیت گئے ہیں, باقی وہ اپنے اپنے لوگوں کو بھیج دیں گے. جو ہے الیکشن کیوں ہو رہا ہے پھر پروپورشنیٹ ریپرزینٹیشن میں؟ پھر تو کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ الیکشن کانٹیسٹ ہی نہیں کر سکتا. پھر تو وہ جو پارٹی کہہ دے گی وہ تو ایک ڈکٹوریل رجیم کی طرف ایک چیز چلی جائے گی. بالکل. رشید رضوی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, یہ کہ ایک چھوٹا سا بریک لینا اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس وقت بیان کیوں دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اوپن بیلٹنگ کے لیے بھی تیار ہے اور حکومت تیاری کرے, اس پر بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, کل اٹرنی جنرل نے اسی صدارتی ریفرنس کے کانٹیکسٹ میں سماعت ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ اب سینٹ کے انتخابات کے لیے جو خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ ہنڈی کے ذریعے ہو رہی ہے, تو اٹرنی جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہنڈی کے ذریعے دبئی میں پیسہ پہنچایا جائے گا اور وہاں پر پیسہ ملے گا جو بھی ووٹ بیچیں گے. تو یہ تو بڑا خطرناک بیان دیا ہے, یہ تو ملک کے خلاف ہے. ایف اے ٹی ایف تو پہلے ہی یہ بات کر رہا ہے کہ ہنڈی کا بزنس بہت زیادہ ہے اور ٹیرر فائنینسنگ ہوتی ہے پاکستان سے. دیکھیے یہ پریکٹس تو ماضی میں رہی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کورٹ کے اندر مفروضوں کے اوپر ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, اور کورٹ کے اندر جو بات کرنی چاہیے وہ وتھ ایویڈینس بات کرنی چاہیے. اس پہ کوئی حقیقت جو ہے وہ جو جھوٹ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہیں, دبئی میں پیسہ لو, لندن میں پیسہ لو, یہ آج بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں, مگر یہ کورٹ کے اندر یہ کہنا تو اس کو ایف اے ٹی ایف کی جو ہے وہ بات کو اسٹیمپ لگانے کے جو ہے وہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ایسے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ایویڈینس کے مطابق اور جو
लोकल कंडीशन है और जो सब आ रही है शाम को मीडिया के ऊपर, जज साहबान भी देख रहे हैं और सबको पता है कि माजी की जो इलेक्शन थी आज से 3 साल पहले, पार्टियों की पोजीशन एक थी, जो लोग आए उनकी सीटें ही नहीं थी, वो भी आ गए, तो प्रैक्टिस तो चलती है। मगर अगर उस प्रैक्टिस को कॉन्स्टिट्यूशन जो है रोकता है या नहीं रोकता है उसकी इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। अगर उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी रुकावट नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन समझता है कि ये ओपन बैलेट हो सकता है, उसकी इंटरप्रिटेशन अगर कोर्ट कहती है। मगर इलेक्शन कमीशन का जो मौकफ आ रहा है वो अपने तौर पे आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने बिजनेस रूल्स के मुताबिक कस्टोडियन है, उसने अपना मौकफ रखा है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर है प्रोविंसेस में भी और मुख्तलिफ असेंबली में भी, उन्होंने अपना मौकफ रखा है। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का मौकफ दुरुस्त है? मैं कहता हूं हर बंदा जो है ना, जब कोई भी कोई विक्टिम होता है, कोई क्या होता है, जो बंदा होता है जो केस लड़ता है कोर्ट में, हर बंदा कहता है कि मैं सही हूं, दूसरा गलत है। बिल्कुल सही। तो ऐसे पीपुल, ऐसे वही पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन ने जिसने मैसा के जमहूरियत किया था उस वक्त, उसने मैसा के जमहूरियत किया था उस वक्त, उन्होंने मौकफ क्या है ये बताइए हमें। देखिये, मैं मेरा जाती मौकफ ये, अब मैं तो ये समझता हूं कि हम जब इंटरप्रिटेशन के लिए गए तो इंटरप्रिटेशन में जाने के बाद हमें असेंबली के अंदर बिल जो है वो असेंबली में नहीं लाना चाहिए था। एक तरफ हम खुद कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के हवाले से हम बिल पेश करते हैं, दूसरी तरफ हम इंटरप्रिटेशन में जाते हैं, तो ये चीजें जो है वो खुद गलत थी। और फिर भी चलो बिल वापस हो गया। अब जो ऑर्डिनेंस आया है वो टाइम सेव करने के लिए आया है, क्योंकि टाइम जो है शेड्यूल के बाद नहीं हो सकता था। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। मैं खुद 2002 से, रिजवी साहब को पता है, सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स केसेस में पेश होता रहता हूं, और मैं समझता हूं कि कोर्ट के अंदर जब कोई केस चलता हो तो उसके अंदर टीवी के ऊपर डिबेट भी हो तो वो भी एक लिमिट के दायरे के अंदर, लिमिट के दायरे में होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जहांगीर तरीन साहब से आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, वजीर आजम ने सेनेट इंतखाबात के लिए मदद मांगी है? देखिए, जहांगीर तरीन का एक गवर्नमेंट के जो है वो अंदर पहले जो रोल था अब वो नहीं है, मगर जहांगीर तरीन पीटीआई का एक दरिना कारकुन था और खान साहब का एक बहुत ज्यादा अच्छा साथी था और है, तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट की मदद के लिए या हफीज शेख के पर्सनल रिलेशन की वजह से, क्योंकि हफीज शेख जब मिनिस्टर बना था तो पहले पहले सपोर्ट करने वाला जहांगीर तरीन था उसको, तो जहांगीर तो उस वायदे को, उस दोस्ती को निभाने के लिए अगर जहांगीर तरीन एक्टिव हुए भी है तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत उसे सपोर्ट मिल सकती है। तो ये भी खबरें आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी तरीन साहब को फोन किया है और उनसे सेनेट के इंतखाबात के लिए मदद मांगी है। देखिए, मैं आपको इतना जरूर कंफर्म कर सकता हूं कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर मुझे जहांगीर तरीन साहब खुद ने बताया कि मेरी खान साहब के साथ सुबह शाम चैटिंग होती है मोबाइल के ऊपर, एक लिंक है और वो लिंक रहेगा। देखिए, कोई भी हो, तो फिर इमरान खान साहब ये क्यों कहते रहे कि तरीन साहब करप्ट आदमी है और चीनी स्कैंडल का सारे का सारा मलबा उन पे डालते रहे हैं कि जहांगीर तरीन ही जिम्मेदार है शुगर स्कैंडल के? मेरे ख्याल में कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा भी ये नहीं कहा, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात की है, सारे इंटरव्यूज में उन्होंने यही कहा है कि अनफॉर्चुनेटली मेरा जहांगीर तरीन के साथ ताल्लुक खराब हो गया, मैं उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि तरीन भी इस तरह से करेगा। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि मेरा जहांगीर तरीन से, चले एफआईए की रिपोर्ट बारे यही बताती है स्कैंडल खराब, मगर ये कभी नहीं उसने कहा, तरीन साहब ने हर तरह का पता नहीं था कि जहांगीर तरीन ऐसा करेगा। ठीक हो गया। शशीद रिजवी साहब, एडवोकेट जनरल सिंध का ये स्टेटमेंट के जो सदारती रेफरेंस है वो मुनासिब नहीं है, चूंकि हुकूमत किसी तरह का मशवरा नहीं अदालत से मांग सकती, सिर्फ आयन के बारे में बात हो सकती है, आयन की तशरीह की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट से करवाई जा सकती है, लेकिन ये जो सदारती रेफरेंस है ये तो मशवरा मांगा जा रहा है, वो कह रहे हैं ये तो सवाल ही गलत है। ये उनकी एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन साहब की अपनी व्यूज हैं, लेकिन लीगल क्वेश्चन पर
हुकूमत रेफरेंस तो भेज सकती है आर्टिकल 186 में, और उसी के तहत उन्होंने आर्टिकल 226 का इंटरप्रिटेशन मांगा है जी। बात सारी जो परेशान कुन है, ये तो पेशी का केस था कि उसको पढ़ के अटॉर्नी जनरल को सुन के दूसरी पार्टीज को सुन के खत्म हो जाता। इसकी तूल जो खींच रही है परेशानी के पास बन रही है कि ये क्लियर लफ्जों में बहुत साफ अल्फाज में 226 में कहा गया कि किन किन इलेक्शन में जो है सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होगी और बाकी सारे इलेक्शन में बिल्कुल ठीक हो गया। तो एडिशनल रिजवी साहब, यहाँ ये एक और भी सवाल है, सवाल सुन लीजिए। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कल जो ये बात की है कि वोट की सिक्रेसी उसी वक्त तक है जब तक वो पोल नहीं हो जाता, जब तक वो कास्ट नहीं हो जाता, आईन में इसी तरह की इंटरप्रिटेशन की गई है सीक्रेट बैलेटिंग की? दुनिया की अदालतों के फैसले इस पे नजीर, इस पे नजायर, इस पे मौजूद है, प्रेसिडेंट्स इस पे मौजूद है कि सीक्रेसी जो है वो परपिचुअल है, वो परमानेंट है। ये थोड़ी है कि आप वोट देके वो बाहर निकला पोलिंग स्टेशन से और आप उसको एक्सपोज कर रहे कि आप खत्म हो गया, ये इसने इसको वोट देके जा रहा है। तो ये बात जजेस को नहीं मालूम, पता नहीं वो किस उसमें कह गए हैं, स्लिप ऑफ टंग है या क्या बात है, लेकिन जब जब बात ये होती है सीक्रेट बैलेटिंग की वो परमानेंट सीक्रेसी होती हो तो बिल्कुल सही सीक्रेसी है, बिल्कुल ठीक बात की सीक्रेसी है, बिल्कुल ठीक है। जाफर इकबाल साहब, परवेज रशीद साहब सेनेट के कैंडिडेट थे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, मुझे बताइए उन्होंने 95 लाख रुपए पंजाब हाउस का देना है, वो क्यों नहीं दिया? परवेज रशीद साहब ने अगर ये देने थे तो 2.5 साल हुकूमत कहाँ थी, और सेनेट के मेंबर होते हुए अगर वो 2011 से जाफर साहब रह रहे हैं तो वो खुद कहाँ थे, उनको नहीं पता सारे यहीं पे थे, सारे यहीं पे थे वो, यहाँ तो पंजाब हुकूमत के तर्जमान रहे या सेनेटर रहे, और जब सेनेटर थे तब भी उन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस में अवेल नहीं किया, और जिन लोगों को पार्लियामेंट लॉजिस में जगह नहीं मिलती उन्हें हुकूमत बहुत महंगे दामों लेके देती है मकान किराए पे और उन्हें ठहराती है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही है। और अगर कोई ऐसी चीज थी तो चाहिए ये था कि वो 2.5 साल पहले भी उनके खिलाफ रेफरेंस मूव करते, अगर कोई छुपा के बना के नहीं, 2019 अक्टूबर में भी उनको एक नोटिस भेजा गया, उसके बाद भी उन्होंने पैसे नहीं जमा कराए। अगर कोई नोटिस ऐसा उस अदालत में ले जाया जा सकता है, सेनेट सोशल मीडिया पर, मीडिया पर हर जगह मौजूद है, सोशल मीडिया अलग बात है, सेनेट की किसी प्रिविलेज की कमेटी में ले जाया जा सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन में ले जाया जा सकता है, आप एमएनए रहे हैं, आप पार्लियामेंट लॉजिस में रहते रहे हैं, आप महाना जो रेंट था वो नहीं देते रहे? जी देते रहे, तो सबको पता होता है ना, सारे पार्लियामेंटेरियंस को पता है, सबको पता है। यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई जिम्मे थे परवेज रशीद साहब के तो ये हुकूमत पहले भी सामने ला सकती थी, ये बनाया गया। मैं एक बात मित्रा साहब करना चाहूंगा, वजीराबाद से ये खबरें आ रही हैं कि डिवीजन भर की पुलिस को बुलाकर राणा सनाउल्ला साहब मुस्तनसर गोंदल साहब जो हमारे एडवोकेट हैं, बार के सदर है, उनके घर पे हैं, वहां बाहर पहरा लगा दिया गया है और राणा सनाउल्ला साहब को गिरफ्तार करने के लिए, ये इस वक्त हुकूमत अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए ये कर रही है और ये ओछे हथकंडे काम नहीं आएंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जाफर इकबाल साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, रशीद रिजवी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।